लोग गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शर और रिएक्शन पे। जैसे कि हमें सबको पता है कि भाई कैरी भाई समय समय पे आके जो क्रिंज कंटेंटर होते हैं, जिनके क्रिंज कंटेंट होते हैं, उनको काफी अच्छा खासा रोस्ट मारते हैं। तो भाई एक और रोस्ट आ चुका, प्रॉपर रोस्ट। अब मतलब दो टाइप की वीडियोज भाई बनाने लग गए, एक रोस्ट आता जो नॉर्मल वो हमेशा जो करते आए हैं, एक वो सीरियस काइंड ऑफ वीडियो थोड़ा रोस्ट बनाते हैं। तो पीछे चला ही गया, जिसने नहीं देखा उस पर भी मैंने रिएक्ट कर रखा, तो जाके प्लीज देखना। एंड अभी दो दिन पहले ही एक और नई वीडियो आई है उनकी, इंडियन रेयर फूड। तो देखते हैं भाई कैसे क्या रहने वाला है एंड किस तरीके की बैंड बजाई है भाई कैरी भाई ने। कैरी भाई की वीडियो है तो ऑफकोर्स हेडफोन लगा देना, अगर घर पर पिटाई हो जाए तो मेरे को मत बोलना। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो विदाउट मेरे रिएक्शन के देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छे से लिंक मिल जाएगा। तो भाई फटाफट एक बार देख लेते हैं कि भाई अब किसकी और किस कदर भाई ने बैंड बजाई है एंड ऑफ कोर्स फूड व्लॉगर्स की ही। तो भाई चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। इधर सुनो, यहां मैं चार शादियों का खाना बना रहा हूं, तू सिर्फ चाय नहीं बन रही और पानी पूरी करके खिला रहे हो। सर पुदीने का पानी खत्म हो गया है। तो शराब डाल के खिला। सर बूढ़ी औरतें प्लेट लेके खड़ी है। सर मैं क्या करूं? दिमाग फिक्स करवा। ये क्या? सुशी है सर। चूते ढोकला है। सुशी लग रही है सर। सरदारों की शादी में सुशी बना रहे हो? बटर चिकन बनाओ। चिकन रेडी है सर। ये चिकन है। तो कैसे हैं आप लोग? आ जाओ, आज तुम्हारी फूड इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। ये बताओ ये क्या है? ऑल राइट। क्या लग रहा है? टिक्की? पता नहीं। नहीं पगलो, आइसक्रीम है। फ्राइड आइसक्रीम। या ये लगने जा रही है हमारी फ्राइड आइसक्रीम जा रही है फ्राई होने के लिए। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, क्रिकेट खेल सकते हैं इससे? क्या पता इंडिया फाइनल जीत जाती। खैर ये बताओ क्या है? पान? नहीं पान, बर्गर है। और ये हमारा बर्गर पान रेडी हो चुका है। आशीर्वाद दे रहा है क्या? ये एशियन फ्यूजन नहीं, एशियन कंफ्यूजन है। खैर ये बताओ क्या? ये मैं हूँ एक चूतिया जो इन पे वीडियो बना रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे रुको, बीवी नाराज हो रही है, क्या लेके जाऊं घर? पार्ले जी वाला ऑमलेट सर। अरे बीवी के लिए चाहिए, कुतिया के लिए नहीं। खैर पार्ले जी तो कुत्ते भी नहीं खाते। ये देखिए गाइस, इंडिया का बिगेस्ट लेंडा। सुबह निकलेगा नहीं, सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। अबे साले चने घोड़े खा गए क्या? जो गोलगप्पे में चिकन डाल दिया, चाट वाले की चाटा मारो। बस मुझे इतना बता दो पुदीने के पानी का क्या हो रहा है? आंडे साफ हो रही है क्या भाई? सही में ये डिजर्व करते हैं रोस्ट सच में। मतलब यार आईसीएस की ऑनलाइन क्लासेस पर ध्यान दिया करो यार। अभी ये बना के ना तो तुम आवर्ची लग रहे हो, ना आतंकवादी लग रहे हो, गांडू लग रहे हो। लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, वो क्रिएटिविटी चोद रहा है। इतनी आईक्यू तो सनी देओल की भी नहीं है। पेस्ट्री में पानी डाल दिया। हमारे यहाँ की ना बात ही कुछ और है, मैगी बनाता होगा होगी इसकी प्लेट। तो कोई भी कूड़े में तो पाकिस्तान। सही बात। ओ भाई भाई कितना बड़ा कटोरा और इतना तेल लगा रखा है, किसी गंजे के सर पे लगा दो इसके बाल आ जाएंगे। अरे बहन जी रहन दीजिए ना, कब तक अपनी अरेंज मैरिज का बदला अपने बच्चों पे निकालती रहोगी? ठेला खोलो, समाज को सजा दो। तल दो, तरबूज सेब आम आंवला। एक काम करो, ये जोड़ा पे बेसन लगा के इसे भी तल दो, क्योंकि हम तो कीड़े हैं, रुई भी खा जाएंगे। देसी जंबो ऑमलेट। अरे भाई साहब, अब इतने मक्खन में तो भैंसे को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। कस्टमर का दिल जीतना है, रोकना नहीं है। हर एक चीज ना ठीक है, लिमिट से ज्यादा भी नहीं। गांजा मार के भी अच्छा नहीं लगेगा। सही अच्छी लगती है कि सही हो। राजमा चावल डाल के पूरा हैप्पी मील बना दो ना। डिलक्स हाजमोला वाली चाय का स्वाद आप में से बहुत कम लोगों ने लिया होगा। ये तो टट्टी है, जितनी जल्दी अंदर जाएगी उससे जल्दी बाहर आ जाएगी। इसकी टैगलाइन होनी चाहिए दस्त बहाने करके उल्टी हो जाएगी। ये देखो ये क्या है,
अच्छा है। अरे बांग्लादेशी बोका सोदा, ये क्या गुलाबी चाय बना दी? ये कौन सा फ्रूट है? मैं क्या बताऊँ, खुद नहीं पता। ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट वाली चाय, जैम समोसा। ये क्या है, ये और रंग बदल रहे हैं समोसों के, ब्लू ब्लैक पिंक, कौन खा रहा है ये पावर रेंजर वाले समोसे? मार्केट में घूमते घूमते मुझे दिखे ब्लैक मोमो, काले तेंदुए के टट्टे लग रहे हैं। खाने के रंग बदलना बंद करो वरना तुम्हारी गांड में आरजीबी की लाइट लगा देंगे, फिर वो भी रंग बदलेगी। इनको वॉफल मेकर में रख दिया है और यहाँ पे बिल्कुल रेडी है मोमोज का वॉफल। दीदी ने मोमो का इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना दिया, इसका नाम मोमो नहीं मोए मोए होना चाहिए। रजनीकांता पास पास वाली आइसक्रीम खाई है? अब क्वालिटी वॉल के चौदह, ये तो अजय देवगन भी नहीं खाएगा। आइसक्रीम भी ऐसी बनाई है जो थूक नहीं पड़े। ये देख लो, स्नो व्हाइट का बोना बड़ा होके इग्लू बना रहा है, ठीक करके लाए इसे। ये क्या बना दिया, बच्चों का साइंस प्रोजेक्ट लग रहा है। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ, सड़कों पे खाना नहीं बिकता, बकचोदी बिकती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना यार, आपकी सिटी में ऐसे कोई छोले कुलचे 75 ब्लाइंड चैलेंज कर रहा है क्या? अच्छा है आंखें बंद है, वरना ये एवेंजर का रिजर्व प्लेयर छोलों में चॉकलेट डाल देता। ये देखो भाई, कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है। साले फूड ब्लॉगर, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा, तू ही अंधा है। ये देखो भाई, कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा है। एक काम है, खाना देखना, वो तो ढंग से कर लो। ये देखो जी कमाल, ये कट शॉट है जी। अच्छा, ये सब करे बिना खाना नहीं मिल सकता है क्या? एक्सपीरियंस देना जरूरी है। हमें दिल बाहर सोड़ा शिकंजी पर। भाई साहब, आप ये कहेंगे कि मैंने वीडियो की स्पीड को फास्ट किया हुआ है, नेचुरल स्पीड है भैया की। नेचुरल स्पीड है तो नेवला पकड़ना जाके शिकंजी क्यों बना रहा है? ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भैया का सोडे की स्ट्रॉन्गनेस दिखाने का तरीका। अब सोडा आर्मस्ट्रांग शिकंजी बनाने के पैसे दिए थे, उसमें नहाने के नहीं। माननी पड़ेगी, भैया का सोडा वाकई दमदार है। सोडा की दुकान का वाटर पार्क बना दिया, क्या कुछ भी, जब बेचने से पहले 1.5 घंटे का प्रोग्राम आयोजित कर रखा है। ए भाई। अबे इस हेलीकॉप्टर में किसने तेल भर दिया? एक हाथ के टायर से बन रखे, लोग मुट्ठल समझेंगे। छपरी नगर के इच्छाधारी नाथ सेक्स कर लेना दूध के साथ। अरे क्या चश्मे पहन रखे, रॉबर्ट डाउरी जूनियर लग रहा है। भाई क्या चल रहा है देश में ये? मैं सही में चूतिया हूं जो इनका वीडियो बना रहा हूं। अगर यही सब करने से पैसे आ रहे होते ना, तो अंबानी सर्कस चला रहा होता। जो ये समोसे खाएगा। ये करण जौहर को क्या हो गया और इतने बड़े चूचे लेके कहां जा रहा है? 11,000 इनाम पाएगा। खाने के लिए चैलेंजर ढूंढ रहा है, कौन ऐसे राजा तक मिल? हमारे चैलेंजर मिल चुके हैं हमें। देश में बेरोजगारों की कमी थोड़ी है। 1, 2, 3 स्टार्ट, टाइमर लग चुका है भाई। ब्लो जॉब क्यों दे रहा है? और भाई क्या बात है, जल्दी 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 जल्दी। हलवाई तो स्ट्रेस में है, ये कौन पिंडारी आ गया? माँ छुट गई। मोहे मोहे। और कर लो फूड चैलेंज। अबे लोगों की खुराक नहीं पता तुम्हें, लेकिन हर बाप का एक बाप जरूर होता है। वो बलबास और एक समोसा खा के खुश हो रहा था, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 समोसे बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, और यहाँ तो चैलेंज भी नहीं हो रहा है, ये बस भोजन कर रही है। तो भटूरे कितने कर रहे? डोंगा में सब्जी है। कर लिया, इतना खाने के बाद गैस इतनी बनती होगी, 4 सिलेंडर भर दे। इसकी बॉडी में फैट नहीं चलता, फैट की बुलेट प्रूफ वेस्ट बन चुकी है। भैया इस एशियाटिक अजगर से डरो, क्योंकि इसकी खुराक इतनी है। मर जाओगे, इतना मत खाओ यार, व्यूज तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है, इस चीज को समझो। ए भाई, 4-5 मुर्गों का पूरा खानदान खत्म कर दिया, इसके लिए पोल्ट्री फार्म में ढाबा है। नमस्ते भारत। अरे नमस्ते भैया, बस तुम्हारा होना हो मेरा हो गया है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो ना, वो जो लाल वाला बटन है उस पर चिकन गोलगप्पे फेंक के मारो, या विमल वाली आइसक्रीम मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर दो यार, छोटा सा चैनल है, पत्री का इलाज कराना है यार। वाह, दैट्स द रिएक्शन वीडियो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। एंड एक बात मैं बिल्कुल सीरियस नोट पे कहना चाहती हूँ, देखो भाई मैगी को बख्श दो, उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, ठीक है? उसमें थम्सअप, फैंटा, आइसक्रीम, पेस्ट्री, हर एक चीज का अपना एक जायका होता है, और उसको अलग अलग खाए तो बहुत सही रहता है, हर चीज का फ्यूजन नहीं बन सकता, और मैगी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज को समझो, भगवान ना करे कोई गलत रिएक्शन हो जाए एंड आप लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी का फेस करना पड़ जाए, तो भाई रहने दो, ये सब चीजों को अवॉइड करो। मत है नहीं है भाई, मैगी को मैगी की तरह ही खाओ, और जो फैंटा है उसको ऐसे ही पी लो, ठीक है? मैगी के साथ पी लो, ज्यादा चुल है तो थोड़ा टेस्ट लेना है तो ठीक है, लेकिन ऐसे डाल के उसको उबाल के है ना, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो समझ पा रहे होंगे, और आजकल सभी समझदार है, वो सब समझ सकते हैं इस चीज को। तो भाई तुम्हारी हेल्थ सबसे पहले है, समझो इस बात को, व्यूज से ऊपर तुम्हारी हेल्थ नहीं है। और रही बात भाई ये इतने सारे मतलब फूड ब्लॉग जो
फूड वाली वीडियोस बनाते हैं जो इतना ज्यादा ऑयली खाना, समोसे, 5 समोसे तो आगे आगे रखे थे, इतने सारे भटूरे और इतने इतने बड़े बड़े डोने खाने के, भाई ठीक है खाना है वो कम से कम वहां बैठे ना 3-4 लोग वो भी थक जाए भाई, इतना वो भी ना खा पाए, तो एक इंसान हो तो भाई रहने दो, इतना मतलब मत करो, इतना नहीं करना चाहिए इंसान को कि वो ठीक है गलती हो जाए एंड तुम्हारी हेल्थ इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगी वो चीज़ें। अभी तो जवान हो, अभी इतनी ज़्यादा मतलब महसूस भी नहीं होगी, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे अगर कमा भी लिए तो क्या करोगे उन पैसों का जब हेल्थ ही नहीं रहेगी, समझो इस बात को। एंड बिल्कुल मतलब जायज़ पॉइंट थे एंड कैरी बाई की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगी। एक थोड़ा उनका ये ड्रॉबैक रहता था कि गाली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर चली जाती थी, लेकिन वो गालियाँ भी अब इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है एंड काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करते ब्रदर एंड आई एम रियली सपोर्ट हिम। मेरे को बहुत पसंद आई उनकी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जो ये सब वीडियो बनाने की सोच रहे हैं या फिर जो बनाते हैं अगर कोई देख रहा है तो प्लीज समझो इस बात को, ना करो प्लीज, तुम्हारी हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।